इस फिल्म में मतलब हम देख रहे हैं कि कई सारी चीज़ों में क्रेडिट में आपका नाम है, मतलब आप प्रोड्यूसर हैं फिल्म के, डायरेक्टर हैं, राइटर भी आपने काम किया हुआ है, गीतकार भी हैं, गीत भी लिखे हैं, गाया भी। आपने इस फिल्म में एक्टिंग क्यों नहीं की, वो भी कर लेते? वो थोड़ा सा सस्पेंस है, रहने दो, उस पर अभी बात नहीं कुछ है आपका कोई पार्टिकुलर सीन है? नहीं नहीं, ठीक है। देखो ये दिस इज माई बेबी है ना, मैंने कुछ ऐसी बातें सोच कर रखी है जो फिल्म के रिलीज के बाद जो है लोगों को पता चलेगी। थोड़ा सा सस्पेंस रहने दो सस्पेंस के बाद जब पर्दा खुलेगा तो बातें आएंगी। बट एक सस्पेंस है आपके लकी ड्रॉ पे, आपने अनाउंस किया था कि जो 500 रुपए का VIP पास खरीदेगा उसको करोड़पति बनने का ऑफर मिलेगा, फिर आपने उसके इनाम की राशि बढ़ाई और फिर उसके 1-1 लाख रुपए के 100 इनाम देने का भी ऐलान किया, तो उसको लेके कुछ अनाउंसमेंट्स हैं कि वो जब फिल्म रिलीज होगी हम तभी लकी ड्रॉ के बारे में पता चलेगा, या अभी हाल फिलहाल आप अनाउंसमेंट्स कर रहे हैं? देखिए, हमने क्या किया था, 4 प्रकार के इनाम थे, मतलब पुरस्कार, हम पुरस्कार कहते हैं उसको। एक तो सबसे पहले किया था 21-21 लाख के 5 बाबा साहब के नाम पे, छत्रपति शिवाजी महाराज, महात्मा ज्योतिराव फुले, सावित्री बाई फुले और सरदार शितनाग इनामदार जो हीरो है, मतलब उस स्टोरी के हीरो है जी, ऐसे 5 पुरस्कार इनिशियली 1.5 करोड़ के पुरस्कार थे, इनाम थे। उसके बाद फिर कुछ लोगों ने कहा कि साहब 1 करोड़ का आप अनाउंस करिए, फिर हमने 1 करोड़ का अनाउंस किया। उसके बाद लोगों ने कहा कि साहब नो, आप 2 करोड़ का करिए अगर एक शो बुक करता कोई। फाइनली फिर 2 करोड़ भी अनाउंस किया और लोग ये कह रहे थे कि एक छोटा छोटा इनाम आप अनाउंस करिए, तो 1-1 लाख के 100 इनाम के, तो इतना सारा है। तो हम जैसे इनिशियली जो अनाउंस किया था 1.5 करोड़ का, वो अभी 30 सितंबर को करने जा रहे हैं। 30 सितंबर को फर्स्ट लकी ड्रॉ होगा जिसमें 5 पुरस्कार दिए जाएंगे और हर पुरस्कार की राशि होगी 21 लाख रुपये। ये 30 सितंबर को हो रहा है, जो मैंने बोला था कि भले ही फिल्म रिलीज बाद में हो जाए लेकिन लकी ड्रॉ हम सितंबर में करेंगे। सितंबर की 30 तारीख इस महीने की आखिरी तारीख है, उस तारीख को जैसा हमने बोला था, जो कमिट किया था उसको पूरा करते हुए 30 तारीख को ये लकी ड्रॉ हो रहा है। तो ये तो 21 लाख रुपए का हुआ, करो 21 लाख रुपए का भी नहीं, वो भी है प्लान था। देखिए अब क्या है कि कुछ लोगों का ये कहना है कि भी लोग इसलिए नहीं आ रहे अभी बुक करने के, उनको भरोसा नहीं है ये होगा कि नहीं, कंपनी बोल रही कि हम देंगे देंगे, थोड़ा डाउट है मेरे पास से मैसेज आ रहे हैं, मैं कि ये पैसा हम दे तो रहे हैं, व्हाट्सएप कर रहे हैं, मैसेज आ नहीं रहा, कहाँ जा रहा है, मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये थोड़ा कंफ्यूजन था लोगों के मन में। अगर ये करते हैं तो कंफ्यूजन दूर हो जाएगा, देन पीपल विल कम टू अस, ठीक है। उसके बाद एक के बाद एक करेंगे हम, और फिर फाइनली जो 2 करोड़ का इनाम है वो तो फिल्म के रिलीज के बाद ही होगा, वो हम फिल्म के रिलीज, तो 2 करोड़ रुपए एक आदमी को मिलेंगे या उसमें जिसका नाम निकल, नहीं एक ही आदमी को मिलेगा। तो ये बहुत ही मुझे लगता है कि भारत के सिनेमा जगत के इतिहास में पहली बार किसी फिल्म को देखने भर पे आपको 2 करोड़ रुपए मिल सकते हैं। बहुत पैसा है आपके पास में सर, अब क्या करें कि इस फिल्म के लिए लगता ही है पैसा, तो हम मैं अकेला थोड़ी प्रोड्यूसर हूँ, नाम मेरा जरूर है, 3000 वो किसान है जिन्होंने छोटा छोटा पैसा अपना लगाया, ये उनका भी पैसा है, ये मेरा अकेले का नहीं है। मेरा जितना लग सकता था, जो कर सकता था मैंने वो किया है, सबका है, मेरा अकेले का। लेकिन ये आइडिया क्या है कि मैं इनाम दूंगा, पुरस्कार की राशि दूंगा, फिल्म बनाई आपने, बहुत बड़ा काम किया समाज के लिए, इसके पीछे की वजह क्या है, क्या मिशनरी थॉट है आपका इसके पीछे? सर देखिए, एक तो ये है कि अभी तक के बहुजनों की जो कहानियां हैं, चाहे कितना भी बड़ा हमारा बहुजन नायक हुआ हो, उसको तवज्जो नहीं दी गई है फिल्म इंडस्ट्री में। अगर छत्रपति शिवाजी महाराज के सेना में, महाराज की सेना में ऐसे बहुजन नायक हुआ करते थे, उन पर फिल्में नहीं बनी है, तो इसका मतलब ये नहीं कि उनका कर्तृत्व नहीं था ऐसा। फिल्म वाले, मतलब अभी तक के जो फिल्म वाले हैं, उनको ऐसा नहीं लगा कि भाई इनका कर्तृत्व इतना बड़ा है, लेकिन हमें मालूम है फैक्चुअली वो क्या स्थिति है। अगर मैं चाहता हूं कि मेरा बहुजन समाज का एक व्यक्ति बहुजन नायक के रूप में, अगर छत्रपति शिवाजी महाराज की सेना में बड़ा रोल उसने अदा किया है, तो उस पर फिल्म बननी चाहिए। उन्होंने नहीं बनाई तो क्या फिर हम भी नहीं बनाएंगे क्या? वैसा ही भीमा कोरेगांव का इशू है, वैसे अनेक सब्जेक्ट्स है। तो अगर हम ये कंपनी बनाइए हैं, प्रोडक्शन हाउस है, तो इस प्रोडक्शन हाउस का कर्तव्य ये है कि जो बहुजन नायक है या बहुजनों की जो कहानियाँ, बड़ी बड़ी कहानियाँ हैं जो समाज के सामने आना चाहिए, ताकि समाज प्रेरित हो जाए और प्रेरित हो के फिर उस रास्ते पे चले जो बाबा साहब ने दिखाया था। ये करने के लिए प्रोडक्शन हाउस है। बिजनेस तो है अपने आप में,
अगर हम बिजनेस नहीं देखेंगे तो फिल्में नहीं बना सकते आप जी। एक फिल्म बना के आप घर में बैठ जाएंगे, ये नहीं करना है हमको। हम बिजनेस की जो टैक्टिक्स है, जो जो नीति है बिजनेस की, वो भी हम साथ में रख रहे हैं, लेकिन साथ में कमिटमेंट है। ये जो लकी ड्रॉ कर रहे हैं, हमको जरूरत क्या थी इसको, ये कमिटमेंट का विषय है। अगर एक रिक्शा वाला, आप कह रहे हैं ना 2 करोड़ एक व्यक्ति को, एक रिक्शा वाला जो है रिक्शा चलाता है और अपना परिवार का भरण पोषण जो ऐसे तैसे करता है जी, अगर उसने 500 रुपए का पास बुक किया है और उसको अगर 2 करोड़ का इनाम लग गया, उसकी जिंदगी बदल जाएगी। बदल गई ना। तो ये 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 शेयरिंग का पैटर्न है, हम चाहते हैं शेयर करें। मेरे पास, आपके पास, हमारे बहुजन समाज के बड़े बड़े लोगों के पास जो पैसा है, वो बाबा साहब ने कहा था 20% वो समाज के लिए दो जी। मतलब शेयरिंग का पैटर्न है ये, शेयरिंग का फॉर्मूला है। वो फॉर्मूले पे चल के अगर समाज को कुछ दे सकते हो, वैचारिक भी और आर्थिक भी, अगर दोनों बातें दे सकते हो तो बेहतर होगा।